सो मैंने परचेस किया है टिगोर ईवी 25th ऑफ अक्टूबर को, और पाँच दिन हो गए, पाँच से छः दिन हो गए मुझे ये चलाते चलाते. काफ़ी अच्छी गाड़ी है, साउंड बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जब आप चलाते हो तो आपको लगता ही नहीं है कि आप कोई गाड़ी चला रहे हो. बहुत ही शांत है. एक हाँ, एक ये साउंड आती है बीच बीच में, आई थिंक ये ABS की साउंड है. तो जब मैंने ये व्हीकल परचेस किया तो फिर मैंने एक दो कंप्लेन भी लॉक करे थे, क्योंकि डीलर्स ने मुझे काफ़ी ब्रीफिंग प्रॉपर की नहीं थी. तो मुझे स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आई थी व्हीकल स्टार्ट करने में, व्हीकल मूव करने में. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप व्हीकल स्टार्ट करते हो और व्हीकल ऑलरेडी अगर डी मोड में, ड्राइव मोड में, और अगर आपने ब्रेक प्रेस नहीं किया हुआ है तो व्हीकल आगे नहीं बढ़ेगी. तो मुझे कभी पेट्रोल पंप पे और कभी रोड में चलते हुए इस तरह से दो तीन बार ये प्रॉब्लम आई. तो मैंने उसके रिगार्डिंग फिर एक कंप्लेन करा कि ठीक है, व्हीकल में शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये आई थिंक ये कस्टमर का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जब वो ईवी व्हीकल परचेस करेगा तो उसे ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी. अगर प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं होगी कंपनी की साइड से तो ऑब्वियसली उसको कंप्लेन करना पड़ेगा. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है टिगोर ईवी. मैंने प्रॉपर कंपनी में बात की है, काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा मुझे कंपनी की तरफ से मिला है. मुझे जब मैंने कंप्लेन करा तो मुझे मुंबई से फ़ोन आया, उन्होंने मुझे काफ़ी डिटेल्स ब्रीफ करी जो मुझे डीलरशिप में बेसिकली नहीं मिली थी. तो जैसे कि ये टिगोर ईवी XM मॉडल है, और ये फुल चार्ज होने के बाद 128 किलोमीटर, जब मैंने लास्ट से फुल चार्ज किया था तो मैं 128 किलोमीटर से मीटर में ये दिख रहा था, मतलब 128 किलोमीटर मैं चला सकता हूँ. कुछ इनबिल्ट फीचर काफ़ी अच्छे हैं इसके, जैसे कि अगर आप ब्रेक का यूज़ ज़्यादा नहीं करते हो तो किलोमीटर आप ज़्यादा चला सकते हो. और सपोज़ करो आप ऐसे ढलान में हो, आप स्लोप में हो, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी बैटरी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि गाड़ी को ज़्यादा पावर चाहिए ऊपर जाने के लिए. बट अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो डोंट यूज़ द ब्रेक. और अगर आप एक्सेलेटर भी यूज़ नहीं करते हो तो चूंकि स्लोप है तो गाड़ी आपकी धीरे धीरे नीचे आएगी. दो फायदे होंगे उससे, पहला ये कि आपकी बैटरी कम यूज़ होगी, और दूसरा ये है कि जो पावर है इसमें वो रीजनरेट होता है. तो अगर आप डाउन में व्हीकल चलाने बेसिकली ट्राई किया था, मतलब मुझे इससे पहले तो ऐसा लग रहा था कि बैटरी इसमें ज़्यादा लग रही है, बट कंपनी के ब्रीफिंग के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, अब ये प्रॉपर, मतलब जो उन्होंने बताया था वो काम कर रही है. सेकेंड इसमें यह है कि जो टायर प्रेशर है गाड़ी में, जो टायर प्रेशर आपको रखना है वो नॉर्मली 33 हम रखते हैं चारों टायर में, बट चूंकि इसमें जो बैटरी है वो पीछे सेटअप है, इसके पीछे जो डिक्की है वहाँ पर सेटअप है, और अराउंड 300 किलो का इसका 300 kg इसकी बैटरी की वेट है. तो पीछे वाले टायर में आपको 36 PSI आपको एयर रखनी पड़ेगी, और फ्रंट में इसे आपको 33 लेकर चलना पड़ेगा. सो अपार्ट ऑफ दैट देर हैव सम अदर फंक्शन, लाइक सपोज आपका गाड़ी में गेट खुली हुई है एंड यू जस्ट ट्राई टू स्टार्ट द व्हीकल, तो व्हीकल स्टार्ट नहीं होगी. तो आपको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा सारी व्हीकल की जो डोर्स है वो प्रॉपर क्लोज है कि नहीं क्लोज है. उसके बाद जो इसमें दो टाइप्स इसमें चार्जिंग पॉइंट है. द फर्स्ट इज़ अ स्लो चार्ज, इजी लेमन भाषा में अगर मैं बात करूं, सो द फर्स्ट इज़ अ स्लो चार्ज एंड सेकंड इज़ अ हाई स्पीड चार्जिंग, राइट. तो जो स्लो चार्ज है वो कैसे हैं कि दे विल द कंपनी विल पुट सम स्मॉल चार्जर इन योर, दे विल इंस्टॉल इन योर होम, ठीक है. सो फ्रॉम देयर यू हैव टू चार्ज योर व्हीकल. तो वो क्या है, स्लो चार्जिंग प्रोसेस है एंड इट विल टेक अराउंड 8 hours टू चार्ज योर व्हीकल. जो स्लो चार्जिंग प्रोसेस है वो ऑलरेडी वीडियो मैंने डाला था अपनी प्रीवियस वाले उसमें वीडियो में मैंने अपलोड किया था. तो और दूसरा है फास्ट चार्जिंग. सो जो फास्ट चार्जिंग है दैट विल टेक अराउंड 90 मिनट टू चार्ज योर व्हीकल कम्प्लीटली. तो 90 मिनट में आपकी व्हीकल फुल चार्ज हो जाएगी. बट व्हाट कंपनी रिकमेंडेड, लाइक यू हैव टू यूज दिस फास्ट चार्जिंग ओनली इन इमरजेंसी केसेस, राइट. यू शुड नॉट यूज दिस फास्ट चार्जिंग एवरी टाइम. तो कंपनी ये कहती है कि अगर आपको तीन बार गाड़ी चार्ज करनी है सो जस्ट ट्राई टू चार्ज योर व्हीकल 2 times विद अ स्लो चार्जिंग एंड 1 time विद अ फास्ट चार्जिंग.
तो इससे आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो ठीक रहती है, मतलब वो कम नहीं होती है। तो ये चार्जिंग का प्रोसेस है, प्लस जो कि मैंने जब परचेस किया था तो मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं मिले थे डीलर की साइड से, कोई 2 घंटे कह रहा था, कोई 3 घंटे कह रहा था। तो फाइनली जब मुझे जो क्लियर डायरेक्शन मिली थी वो ये था कि नहीं, आपको 8 घंटे चार्ज करना पड़ेगा, 7 से 8 घंटे आपको चार्ज करना पड़ेगा तो आपकी व्हीकल कम्प्लीटली चार्ज होगी। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है कि मंथ में वंस मीन्स ट्वाइस इन अ मंथ आपको व्हीकल को फुल चार्ज होने के बाद 2 घंटे और चार्ज करना है, ताकि उसका जो बैटरी है वो अपने आप को जो एक चार्जिंग सेल्फ बैलेंस उसमें है वो हो जाता है ऐसा करने से। तो ये डिटेल्स मैं अपलोड नहीं कर पाया, और चूंकि ये काफ़ी टाइम लगता है तो मैं इसको बना भी नहीं पाया था। देन इसके अलावा सर, इसमें 2 एयरबैग है फ्रंट में और ABS है इसमें। तो अगर मैं ओवरऑल गाड़ी की बात करूं तो आप देखोगे इसमें जो वॉच है वो अलग से नहीं है, आपको उसको प्रेस करना पड़ेगा। तो ये यहाँ टाइम आ रहा है, टाइम इसमें अलग से नहीं दिए हुए, मतलब आपको ऐसा अलग से मीटर में हो। तो मीटर मुझे लगता है कि मीटर और थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, मीटर मीन्स जो इसके अंदर फीचर्स है वो आपको प्रेस करने के बाद आपको मिलेंगे, वैसे आपको नहीं मिलेगा। देन उसके बाद ये टॉप से सेकंड मॉडल है, बट एटलीस्ट मुझे लगा था कि कुछ यहाँ पर स्विचेस वगैरह होंगे जो इसमें नहीं मिले मुझे, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है मुझे ज़्यादा। दूसरा जो मेन है कि मुझे लगता था कि यहाँ एक टैब होना चाहिए था। मेरे पास फोर्ड एस्पायर है और अगर मैं प्राइस कंपेयर करूँ तो वो इससे कम है। अच्छा, अगर मैं इसमें रेट की बात करूँ तो ये XM मॉडल है जो सब्सिडी के बाद मुझे 9,90,000 के आसपास का पड़ा है, विच इंक्लूड्स कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ऑल। क्योंकि ये जो व्हीकल है, अगर आप जमशेदपुर में टिगोर ईवी अगर आप परचेस करते हो तो यू कैन नॉट यूज़ दिस व्हीकल फॉर द प्राइवेट यूज़, आपको ये व्हीकल कॉमर्शियल के लिए लेना पड़ेगा, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस व्हीकल फॉर द कॉमर्शियल यूज़ ओनली। तो अभी जमशेदपुर में कंपनी प्राइवेट यूज़ के लिए ये गाड़ी नहीं दे रही है, आपको कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए ही लेना पड़ेगा। तो ये इसके कुछ और स्पेस है, स्पेस काफ़ी अच्छे हैं इसमें, आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, बट थोड़ा सा मुझे लगा कि जैसे ये एक स्पेस है यहाँ पर कंपनी शायद कुछ कर सकती थी, मुझे लगा कि यहाँ कुछ होगा। मैंने इसको प्रेस करा तो ये जस्ट डमी कट था, और ओवरऑल स्पेस कम है। एज ए अगर मैं बात करूं कि सेडान व्हीकल, मुझे थोड़ा सा स्पेस इसमें कम लगा था एज़ कम्पेयर टू अदर सेडान व्हीकल, लाइक व्हाट आई हैव, मैं कंपेयर उससे कर रहा हूं एस्पायर से, तो उसके कंपैरिजन में मुझे थोड़ा सा इसका वो कम लगा था। एक इसमें USB प्लग है और दूसरा इसमें एक ऑक्स केबल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। सो इसके अलावा देन यहाँ पर आई थिंक ये 12 वोल्ट का ही होगा पावर, यहाँ आप अडेप्टर के लिए लगा सकते हो। तो ये 3 इसमें है। इसके अलावा अगर एक छोटी सी मुझे इसमें प्रॉब्लम है, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। आप देखोगे यहाँ से ये की मैंने लगा रखी है यहाँ पर ना, तो की लगाने के बाद अब क्या, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो ये कभी कभी ना ये जो की के साथ में इसके कुछ ये नंबर आई थिंक की के साथ मुझे मिले थे साथ में, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो ये यहाँ स्टक होता है, मेरे पैर यहाँ लगते हैं। अब मुझे नहीं पता मेरे पैर लंबे हैं उसकी वजह से लगते हैं या फिर क्या है, बट मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके, अगर मैं पीछे सीट की बात करूं तो स्पेस काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब काफ़ी अच्छा स्पेस है पीछे ना, मैं आराम से बैठ सकता हूं, मैं बहुत कंफर्टेबल हूं पीछे में। ये पीछे स्पेस है, पैर रखने की काफ़ी अच्छी जगह है। अगर मैं फोल्ड करता हूँ पैर तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं बड़े आराम से पैर फोल्ड करके बैठ सकता हूँ, स्पेस काफ़ी है इसमें। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द बूट स्पेस। सो ओके, काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस है। सॉरी, मैंने ये व्हीकल के कवर रखे थे अपने पास में, तो ये हमारा बूट स्पेस है और ये मुझे लेकर चलना पड़ता है। ये चार्जिंग पावर कोड है, ये आई थिंक ये फीमेल है और ये मेल है, तो इन केस अगर कंपनी के आसपास अगर कहीं मुझे दिख जाता, ऑल्दो अभी तक टेस्को के अंदर में मतलब जमशेदपुर के अंदर पावर चार्जिंग सिस्टम नहीं लगे हुए हैं। ये एक्स्ट्रा टायर है,
और बैटरी इसके नीचे है, तो ये रीज़न है पीछे वाले टायर में आपको 36 PSI आपको हवा भरानी पड़ती है। ये ओवरऑल गाड़ी का ये ओवरऑल लुक है। ये जो चार्जर है ये है फास्ट चार्जिंग के लिए, अगर मैं कंपनी में जो या फिर बाहर में अगर गवर्नमेंट कहीं लगाती है तो मैं इसके थ्रू फास्ट चार्जिंग कर सकता हूँ, और घर पर मैं ये यूज़ करता हूँ। ये जो फ्रंट है ये मैं यूज़ करता हूँ घर पर, अगर मैं इसको अगर पुश करता हूँ तो वेट ये पुश ये यहाँ से निकल जाती है, तो मैं इसमें लगाता हूँ घर वाली जो चार्जिंग है, लगाना काफ़ी ईजी है। तो दिस इज माई ईवी, सो दिस द की एंड प्लगइन किया मैंने इसे, ऑन किया मैंने इसे, देन मुझे ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा, हैंड ब्रेक मैं डाउन करता हूँ, देन मैं डी करूँगा और व्हीकल ये मूव करेगी। अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, अभी मैंने इसको कर दिया न्यूट्रल में, मैंने व्हीकल कर दी ऑफ, अब मैं व्हीकल करूँगा ऑन, और मैंने बिना ब्रेक पे पैर रखे मैंने इसको कर दिया न्यूट्रल और मैंने एक्सेलेरेटर दिया, व्हीकल आगे नहीं बढ़ेगी, कुछ भी अगर मैं कर लूँ रिवर्स भी कर लूँ, आप देख सकते हैं रिवर्स व्हीकल रिवर्स नहीं हो रही है। फिर से मैं व्हीकल ऑफ करूँगा, मैं व्हीकल ऑन करता हूँ, मैंने ब्रेक पे पैर रखा, ब्रेक को मैंने प्रेस करा, फिर मैं अगर मैं आर करूँ यानी कि रिवर्स के लिए करूँ तो व्हीकल मूव हो रही है, और मैंने फिर से डी में करा तो व्हीकल मूव हो रही है। तो ये इसका एक फीचर है जो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लगे कि ये कंपेन है व्हीकल मूव नहीं कर रही है, तो ये इसके फीचर इस तरह से व्हीकल मूव करेगी। अगर इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।